नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस के बारे में। ये है क्या? देखिए, जब आपको कोई कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, बंदर काट ले जिसे रेबीज था, तो आप डर की वजह से इंजेक्शन लेते हैं। 5 इंजेक्शन आपको लगते हैं 0 डे पर, 3रे दिन पर, 7वें दिन पर, 14वें दिन पर और 28वें दिन पर। ये आपको 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, भले ही उसको हो या ना हो, आप एक डर के वजह से उसे लगवा लेते हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी काटने के बाद लगने वाले इंजेक्शन या वैक्सीन। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जो कि आप कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से पहले ही इंजेक्शन ले लेते हैं, उसे बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी उनके काटने से पहले ही आपने इंजेक्शन ले लिए। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, अगर आप ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर आपको जानवरों के बीच में रहना होता है, जैसे कोई पेट शॉप है, आप कुत्ते पालते हैं उसमें, बिल्ली पालते हैं, बंदर भी पालते हैं, आपको नहीं पता है कि उन्हें रेबीज़ है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एहतियात के तौर पर, अपनी सेफ्टी के तौर पर आप पहले से ही इंजेक्शन ले लेते हैं। उन्हें बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। या फिर आप डॉक्टर हैं, जानवरों के कुत्तों का इलाज करते हैं, बिल्ली का इलाज करते हैं, बंदर का भी इलाज कर देते हैं, तो पता नहीं कब कौन सा जानवर आपको काट ले, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर जो होते हैं वो इन वैक्सीन को ले लेते हैं। अब जो कुत्ते काटने के या जानवरों के काटने के बाद आप वैक्सीन लेते हैं वो होती है 5, मैंने भी गिनवाई है, लेकिन जो काटने से पहले लेते हैं वो होती है 3 वैक्सीन, जो कि आपको 0 डे पर लगती है, दूसरी वैक्सीन आपको 7वें दिन पर लगती है और तीसरी वैक्सीन आपको 21वें दिन पर लगती है। ये इसका अंतर है। बात करते हैं कब तक सेफ रहते हैं पहले इंजेक्शन लेने के बाद, तो इसमें आपको 3 साल का टाइम मिलता है। आप 3 साल तक सेफ हो जाते हैं अगर आप कुत्ते काटने से पहले ही इंजेक्शन ले लेते हैं। अब अगर 3 साल के बाद कुत्ता काट ले, सवाल ये उठता है कि जी 3 साल पूरे हो गए थे कल ही और आज हमें कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, उसे रेबीज था, तो क्या करें? तो भी डरने वाली बात नहीं है, आपको लेनी है बूस्टर डोज। दोबारा आपको पूरे इंजेक्शन नहीं लेने, आपको लेनी है बूस्टर डोज 0 डे पर और 3रे दिन पर, तो आपको केवल 2 बूस्टर डोज लेनी होती हैं। लेकिन एक आपको मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा समय होता है, आप भूल जाते हैं हमने कब वैक्सीन ली थी, 3 साल बहुत लंबा समय है। तो जो डॉक्टर होते हैं या जो कोई पेट शॉप के या फिर कोई इस तरह के सराउंडिंग में रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, हर 6 महीने में अपना इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट कराते हैं, यानी रेबीज एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। इसकी मात्रा अगर 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से नीचे है या इसके बराबर है, तो आपको डोज लेनी पड़ती है बूस्टर डोज 0 डे पर और 3रे दिन पर, चाहे 3 साल बाद की बात हो, चाहे 2 साल बाद की बात हो, वो इससे पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट कराते हैं, यानी रेबीज एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और उसकी मात्रा आती है 0.6 या उससे ऊपर, 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के बराबर या उससे ऊपर, तो आपको बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपके अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है। तो इसके मदद से भी आप पता लगा सकते हैं कि हमें इंजेक्शन लेने हैं बूस्टर डोज या नहीं। अगर ये मात्रा सही आती रहती है तो आपको चाहे 4 साल हो जाए, आपको बूस्टर डोज नहीं लेनी होती है। लेकिन अगर ये 2 साल के अंदर ही ये कम हो जाती है, 5 या 5 से नीचे आ जाती है, तो आपको बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत होती है। तो हर 6 महीने में वो टेस्ट कराते हैं, चाहे वो पेट शॉप के ओनर हो, चाहे फिर वो डॉक्टर हो। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपको मन में आ रहा है, कोई डाउट अभी भी है, क्लियर नहीं हो पाया, आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।